हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस ऑफ देश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 11 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएम ने जो उज्ज्वला योजना लॉन्च की है उसके बारे में। उज्ज्वला योजना जो है वो किस चीज से जुड़ी हुई है, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ सकता है। तो यू मस्ट नो कि इट इज रिलेटेड टू एलपीजी गैस कनेक्शन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस योजना को माना गया है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि जो लोग भी गैस कनेक्शन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना इसको माना गया था। इसका सेकंड फेज कहां से चालू किया गया है, यूपी में महोबा से चालू किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इस बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज 2021 रिपोर्ट जो आईपीसीसी द्वारा लॉन्च की गई है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट पार्ट रिपोर्ट लॉन्च किया है, 6 असेसमेंट रिपोर्ट है ये। इसका टाइटल क्या है, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। ये वर्किंग ग्रुप वन ने लॉन्च किया। वर्किंग ग्रुप वन का मेन पर्पस रहता है कि साइंटिफिक एविडेंस प्रेजेंट करेंगे कि क्लाइमेट चेंज वगैरह से जुड़े हुए। द टू रिमेनिंग पार्ट वुड बी रिलीज इन 2022, 2022 में बाकी रिपोर्ट आएगी। इट नोटेड दैट ग्लोबल नेट जीरो By 2025 was the minimum requirement to keep the temperature rise to 1.5 degree Celsius. Now, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो एक 100 सालों के अंदर जितना तेजी से बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है वो होनेंगे, ज्यादा बरसात, ज्यादा सूखा, ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, ये सब चीजों में बहुत ज्यादा तेजी आएगी। ज्यादा गर्मी होने की वजह से फसलें बर्बाद होंगी, बहुत ज्यादा सर्दी होने की वजह से फसलें बर्बाद होंगी, बहुत ज्यादा बरसात होने की वजह से फसलें बर्बाद होगी। ऐसे एरियाज जहां पर बरसात कम होती थी वहां बरसात एकदम से बढ़ जाने की वजह से सॉइल इरोजन वगैरह बढ़ेगा, बहुत सारी और भी नेचुरल कैलमिटीज में इजाफा होगा। एक साथ बहुत सारी बरसात हो जाने की वजह से क्लाउड बर्स्ट, बाढ़ आना, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी अगर हमने 1.5 डिग्री के अंदर अंदर इस टेम्परेचर के बढ़ने को नहीं रोक लिया। यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति आई थी, उससे पहले के टाइम पीरियड के मुकाबले में 1.5 डिग्री ही बढ़े, उससे ज्यादा ना बढ़े। अगर उससे बढ़ता है, उससे ज्यादा बढ़ता है तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इसको रोका जाए। तो नेट जीरो एमिशन का मतलब है कि जितना कार्बन एनवायरनमेंट में छोड़ा जा रहा है उतना ही एब्जॉर्ब भी किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया 10 पॉइंट्स कार्बन छोड़ता है एनवायरनमेंट में, तो उस 10 पॉइंट्स कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए उतना ही पेड़ वगैरह लगाए, उतना ही फॉरेस्ट लगाए, तो ये नेट कार्बन एमिशन जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से इट सेट्स द स्टेज फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सीओपी जो बैठक होती है क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई, उसके लिए दिस विल सेट अप एजेंडा कि इस बार क्या मीटिंग का एजेंडा रहेगा, उसकी बात करेंगे। ये नवंबर 2021 में ये मीटिंग होने वाली है, उससे पहले ये रिपोर्ट आ गई। नाउ इस रिपोर्ट ने बताया कि द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल क्रॉस 1.5 डिग्री सेल्सियस ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल इन नेक्स्ट 20 ईयर्स। 2040 आते आते ही 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसके बाद में ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आईपीसी हैज सेड दैट 1.5 डिग्री वार्मिंग हैज इनएविटेबल इवन इन द बेस्ट केस सिनेरियो। यानी कि इन्होंने ये पहली बार माना है कि कुछ भी कर लें आज हम तो भी 1.5 डिग्री बढ़ने से तो नहीं रुक सकते। वहीं एडिशनल 0.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग विल इंक्रीज हॉट एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन एंड ड्रॉट। एक्सट्रीम वार्मिंग विल ऑल्सो वीकन द अर्थ कार्बन सिंक्स प्रेजेंट इन प्लांट, सॉइल एंड ओशन। हर 0.5 डिग्री बढ़ने पर, यानी कि अगर इस सदी के एंड तक अगर 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो अनाज वगैरह उगना बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे एरियाज में बंद ही हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स झेलने को मिलेगी और यही क्लाइमेट चेंज का मेन एजेंडा है। जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है वो उसी से जुड़ी हुई होती है और ये आपको ध्यान होना चाहिए। आज करंट अफेयर्स में ज्यादा कुछ नहीं है, इसी के साथ में आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आईपीसीसी क्या है और कब फॉर्म हुई थी। ठीक है, ये 1988 के अंदर हुई थी। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इनको जो है वो सेटअप किया गया था, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा ये मेजरली 7 साल में एक बार रिपोर्ट जारी करती है। इसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।